हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे वापस से सीटेट स्पेशल के लिए, सीटेट के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली विकास जो चैप्टर है, डेवलपमेंट जो चैप्टर है, उससे लिया हुआ ये क्वेश्चन पेपर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ओके, और पैडागोजी से रिलेटेड इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज का जो स्पेशल है वो है विकास यानी डेवलपमेंट चैप्टर। ओके, तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीडीपी, सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए पूरी तैयारी के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। ओके, और पूरा वीडियो देखिए, पूरा हर एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए, क्योंकि क्वेश्चन पिछले सीटेट और यूपीटेट के पेपर के ही हैं। ओके, यानी प्रीवियस ईयर पेपर ही हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर बार क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और याद रखिए, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था के प्रारंभ में? तो कब बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है, यानी लड़कियां जो है लड़कों से अधिक लंबी होती हैं, तो वो होता है बाल्यावस्था। किस एज में होता है? बाल्यावस्था में। जाहिर सी बात है, आप सबको मैंने पढ़ाया भी है कि बाल्यावस्था और खासकर उत्तर बाल्यावस्था पूरे तरीके से लड़कियों के लिए होता है। वहाँ पे संज्ञानात्मक, भाषा विकास, सामाजिक विकास, हर एक विकास, यहाँ तक कि वृद्धि भी लड़कों से की अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है, यानी दिवा स्वप्न या भाषा के कूटकरण, यानी भाषा में कूट चीज़ें चलती है, मूल प्रत्यात्मक व्यवहारों जाली वाली जो भाषा होती है वो आती है, तो कब आता है वो? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था। ओके, तो किस अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा किशोरावस्था, याद रहेगा किशोरावस्था में दिवा स्वप्न यानी दिन में ही सपने देखना शुरू कर देते हैं बच्चे। ओके, नेक्स्ट, विकास के संबंध में सही कथन है क्या? विकास कुछ समय के बाद रुक जाता है, विकास वृद्धि सूचक होता है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, या विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से है? ओके, बहुत बार सीटेट के क्वेश्चन में आया है ये। तो विकास का सही संबंध किससे है? क्या विकास कुछ समय बाद रुक जाता है? क्या ये संभव है कि विकास रुक सकता है? नहीं, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का वृद्धि की सूचक होता है, ये भी नहीं। तो सही आंसर क्या है? विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। याद देखिएगा, विकास में वृद्धि के साथ साथ भाषा विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, हर तरह का विकास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। याद देखिएगा, चारों ओर होता है, समान प्रतिमान सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर या वर्तालुकर, याद देखिएगा ये चारों तरफ होता है। क्या होता है? चारों तरफ होता है। अगर चारों तरफ हो रहा है तो कौन सा आकार होगा? ये होगा वर्तालुकार। ठीक है, क्या होगा? वर्तालुकार। नेक्स्ट, जन्म के समय शिशु रोता है क्यों? भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या भूख के कारण? अगर हम ध्यान दें तो लोगों को लगेगा कि ये तो भय के कारण भी हो रहा है, भूख के कारण रोता है, पीड़ा के कारण रोता है, लेकिन एक्चुअली में जो तीनों को समाहित कर सकता है वो है वातावरण के परिवर्तन के कारण। ठीक, जन्म समय शिशु रोता है। ओके, क्यों रोता है? कि वातावरण परिवर्तन हो रहा है, अचानक से पेट के गर्भ से बाहर निकाला जाता है और जब वातावरण में आता है तो एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से तकलीफ और जिसकी वजह से वो रोना शुरू करता है। ओके, तो वातावरण के परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? याद रखिएगा, ये पियाजे ने कहा है। ओके, तो किस भावना के ग्रंथि कारण, सॉरी, सिगमंड फ्रायड ने कहा है, किस भावना ग्रंथि के कारण पिता यानी लड़कियां जो है अपने पिता पर श्रद्धा भाव रखती हैं? इलेक्ट्रा, ऑडिपस, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन? ओके, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गर्भावस्था की चीजें हैं। इलेक्ट्रा या ऑडिपस किस भावना ग्रंथि के कारण होता है? तो याद देखिएगा, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के कारण, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि के कारण जो गर्ल्स हैं वो अपने पिता पे, और ऑडिपस भावना ग्रंथि के कारण जो बॉय हैं वो अपनी
माँ पे ज़्यादा जान छिड़कते हैं। ओके, यानी किसने कहा था ये? सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? ओके, वाइगोत्स्की किस पे महत्वपूर्ण भूमिका देता है? सामाजिक पे, अनुवांशिकता पे, नैतिक पे, शारीरिक पे? अगर जानेंगे तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ओके, सामाजिक विकास का सिद्धांत, सॉरी, सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है, सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो किस पे बल देता है? जाहिर सी बात है समाज पे, यानी सामाजिक पे। ओके, नेक्स्ट, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है क्या? योगफल, शेषफल, गुणनफल या भागफल? ठीक, तो ये दोनों का गुणनफल है, यानी दोनों मिल के क्या करते हैं? चीज़ों को सिखाते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था या किशोरावस्था? कौन सा काल है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ओके, वैलेंटाइन ने जीवन का सबसे कठिन काल शैशवावस्था को बताया है, जबकि ओके याद रहेगा। नेक्स्ट, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? बालक के अस्थायी दांत यानी नॉन परमानेंट टीथ कितने होते हैं? तो वो होते हैं 20। डन। आनुवांशिक से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? शुक्राणु या अंडाणु से, डीएनए तथा आरएनए से, गुणसूत्र तथा जीन से, या सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण से? आनुवांशिकता से तात्पर्य किससे होता है? ओके, यानी गुणसूत्र और जीन से, यानी क्रोमोजोम्स और जीन्स से आनुवांशिकता का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 6 से 8 पाउंड, 10 से 11 पाउंड, 2 पाउंड या 3 पाउंड? ठीक, तो कितना होता है? 6 से 8 पाउंड। ओके, 7.5 पाउंड एक एवरेज रखा गया है, तो 6 से 8 पाउंड क्या होगा? जन्म के समय बालक का भार होता है। नेक्स्ट, अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरिन या कोष शरीर? अनुवांशिकता का जो निर्धारित है वो कौन सा है? वो है गुणसूत्र। याद देखिएगा, अनुवांशिकता गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम्स के माध्यम से ही दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं और इनमें कुछ जीन्स होते हैं जो कि कैरेक्टर लेके आते हैं। ठीक, तो यही क्रोमोजोम्स हैं या गुणसूत्र हैं। नेक्स्ट, बालक के विकास में महत्व किसका है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, या वंशानुक्रम वातावरण दोनों का, या भोजन का? याद देखिए, वंशानुक्रम वातावरण दोनों का है। ये तो लगभग सबके सही होंगे और कई बार क्वेश्चन आया और हर बार लगभग सबके सही होंगे। दिवा स्वप्न में विचरण करने का कामना अत्यंत प्रबल होता है किसका? शैशवावस्था का, गर्भावस्था का, बाल्यावस्था का या किशोरावस्था का? अभी ध्यान दे तो ऊपर वाले क्वेश्चन हमने किया है। तो दिवा स्वप्न यानी दिन में ही सपने देखने का जो भाग्य है, जो कामनाएँ हैं, वो अत्यंत प्रबल होता है, वो है किशोरावस्था का। ओके, नेक्स्ट, सृजनशील बालकों का लक्षण है क्या? समस्या के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, जिज्ञासा या अनमनीयता? ठीक, याद देखिएगा, सीटेट इसी तरह के क्वेश्चंस साधारण तरीके से पूछ लेता है, जो कि एकदम लेबल से हटके होता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए चैनल को, देख रहे हैं तो क्या है सृजनशीलता, बालकों के लक्षण क्या हैं? याद देखिए, सृजनशील सृजनात्मक बालक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सृजनशील बालकों के लक्षण क्या है? जिज्ञासु होना यानी हर चीज़ के बारे में जानना, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, आत्मगौरव की, अधिकार की, युयुप्सा की या दंड की? अगर आपने मैकडूगल का पढ़ा है, आपने 14 मूल प्रवृत्ति, तो उसमें क्रोध का जो संवेग है वो है युयुप्सा। कौन सा संवेग है? युयुप्सा। नेक्स्ट, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या सभी में? किस में जीवन आदर्श रूप में स्वीकार कर लेते हैं? तो वह है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में एक आइडियल होता है, लीडर, जो लीडर पूजा जो जिसे कहते हैं, वो किशोरावस्था में करते हैं और आइडियल मान के उसी को जीते हैं। नेक्स्ट, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हल का, हरलॉक का, गैसल का? ठीक, तो ये किसका है? हरलॉक का। ओके, क्या है? हरलॉक का। नेक्स्ट, बालक का समाजीकृत निम्नलिखित तकनीकों से निर्धारित होता है, साक्षात्कार तकनीकी, समाजमितीय तकनीकी, निरीक्षण तकनीकी या जीवन वृत्त
अध्ययन तकनीकी, तो बालक का समाजीकृत जो निम्नलिखित तकनीक है वो किससे निर्धारित होता है, तो वो है समाजमितीय तकनीकी। किसे? समाजमितीय तकनीकी से। डन। नेक्स्ट, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? प्रकृति अवलोकन, साहित्य अध्ययन, टेलीविजन या खेलकूद। किससे ज़्यादा सौंदर्य अनुभूति होगा? वह है प्रकृति का अनुकूलन। नेचर से ज़्यादा सुंदर ना ही कोई हुआ है ना ही कोई होगा। ओके, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? संवेगों का आधिक्य होता है, संग्रह की प्रवृत्ति होती है, कल्पना की बहुलता होती है या समायोजन का अभाव होता है। याद रखिएगा, संग्रह की प्रवृत्ति उत्तर बाल्यावस्था की चीजें है ना कि किशोरावस्था की। ओके, यानी संवेगों का आधिक्य होता है किशोरावस्था में, कल्पना की बहुलता होती है, समायोजन का अभाव होता है, लेकिन संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती। संग्रह की प्रवृत्ति होती है उत्तर बाल्यावस्था में। ओके, नेक्स्ट, जन्म के समय बालक कि स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या कम। या देखिए, जब बच्चा जन्म होता है तो ये बहुत कम होता है, फिर धीरे 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 चीज़ें बढ़ती हैं। ओके, नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? ओके, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? मेंडल, कुले, एटकिंसन या क्लार्क। तो ये हैं एटकिंसन, ठीक, एटफिंस लिखा है, एटकिंसन ने। ओके, नेक्स्ट, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या 13 से 19 वर्ष तक। ठीक, तो आत्मगौरव की भावना ज़्यादातर किशोरावस्था में होती है, वो है 13 से 19। अगर यहाँ 12 से 18 होता तो भी आप लगाते 12 से 18 साल, यानी किशोरावस्था में आत्मगौरव की भावना प्रबल होती है। नेक्स्ट, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है? आदत, इच्छा, अनुकरण या निर्देश। तो चरित्र निर्माण में क्या सहायक नहीं है, वो है निर्देश। निर्देश एक ऑर्डर होता है जो कि चरित्र निर्माण नहीं करता, यानी आदत है, इच्छा है, अनुकरण करके भी हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन निर्देश के द्वारा हम चरित्र का निर्माण नहीं करते। किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? 16 साल में, 9 वर्ष में, 11 वर्ष में या 6 वर्ष में। तो किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोध हो जाता है? ये पियाजे से क्वेश्चन है, तो ये होता है 9 वर्ष में। किस में होता है? 9 वर्ष में। यानी इसके 4 अवस्थाएँ हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 साल चलता है। ओके, 0 से 2 साल चलता है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल चलता है, और उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक चलता है, और ये जो 11 वर्ष है वो इसी 9 वर्ष है इसी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, और यहीं पे बच्चा ये सारी गणनाएँ सीखता है। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब तक होता है? 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। तो कब तक होता है उत्तर बाल्यावस्था? तो वो होता है 6 से 12 वर्ष। या देखिएगा, 2 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की एज है, जिसमें से 2 से 6 प्रारंभिक बाल्यावस्था और 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। ओके, नेक्स्ट, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो किस आयु वर्ग में पूरा हो जाता है? वो है 14 वर्ष। लेकिन सबका अपना अपना मानना है, याद रखिएगा, सबका अपना अपना मानना है डेट। यानी फ्रायड तो 5 ही साल में मानते हैं मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, बाकी कुछ लोग 14 में मानते हैं, कुछ 16 में मानते हैं, कुछ 19 में मानते हैं, कुछ 22 में और कुछ 25 में भी मानते हैं। ओके, तो सबके अलग अलग डेटा हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगीय के प्रति होता है, कैसे? प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो याद रखिएगा, समलिंगीय मतलब बाल्यावस्था में। ओके, समलिंगीय का अर्थ होता है बाल्यावस्था में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर करते रहिए, शेयर कर दीजिए अगर जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है, ऑफलाइन पेपर है, और फिर से ये चांस दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है। अगर सफल रहा तो दोबारा ये ऑफलाइन होगा, नहीं सफल रहा तो वापस से ऑनलाइन के कैटेगरीज में आ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।